दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बरवक्त मिल सकें। जी अफसर, ये पीर शाहबुद्दीन, ये साढ़े तीन चार पाँच किलो फासले दे ते ये बुजुर्ग बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है ना जी। इन्होंने पीर शाहबुद्दीन कहा जाना है तो इन्होंने जी आयत है ना वो नौ वज दसी जाती है जी इस मुताबिक जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम जहलम में हज़रत बाबा पीर शहाब सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर हमारी हाज़िरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मज़ार मुबारक है और ये नौ गज़ लंबा मज़ार मुबारक है। जैसे कभी मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ, बहुत लंबा मज़ार है ये। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हाज़िर हुई है, ये देखिए। काफ़ी हाइट है मज़ार की, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नौ गज़ लंबा बताया जाता है कि ये मज़ार में है। जी अफसर, ये पीर शाहबुद्दीन, ये साढ़े तीन चार पाँच किलो फासले दे तो ये बुजुर्ग बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है ना जी। इन्होंने पीर शाहबुद्दीन कहा जाना है तो इन्होंने जी आयत है ना वो नौ गज़ दसी जाती है जी इस मुताबिक जी जी। नौ गज़ यानी कि नौ बार की हिसाब ला लो कितने की बड़ी है। ये जितनी कब्र मजार बने ना, जितनी कब्र शरीफ बनी है ना जी, ये इतनी इतना दी आई थी है। नौ गज लंबा, नौ गज लंबा, नौ गज लंबा दरबार है, ठीक है ना। ये जितनी भी हिस्ट्री है वो ही है, कोई दे विच इस तरह का मसला नहीं है कि अंदर कम है बाहर ज्यादा है, लेकिन जितनी भी है उतनी है दरबार। इसलिए इन्हें केड़ी जगह मौजूद है मज़ार? एक खारियाँ साढ़ा राठियाँ रोड है, खारियाँ उधर अब ना लाहौर वाली साइड जी, खारियाँ क्रॉस करके गए राठियाँ रोड साढ़ा आता है, राठियाँ राठियाँ चौक जेलम बिच, खास जेलम के बिच, जेलम जेलम शहर की दो किलोमीटर तीन किलोमीटर दूर है दरबार, ठीक जी।